हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज वर्ल्ड। तो आज मैं आपके लिए साउंड चैप्टर के अंदर से एक छोटा सा टॉपिक लाया हूं, जो कि है बेल जार एक्सपेरिमेंट। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बेल जार एक्सपेरिमेंट जो है बॉयल, ये तो बहुत ही फेमस नाम है, साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये कंडक्ट किया था बेल जार एक्सपेरिमेंट जब वो अपने साइंटिफिक स्टडी कर रहे थे साउंड से रिलेटेड ही। और जो बेल जार एक्सपेरिमेंट है ये किस लिए किया गया या फिर इससे क्या प्रूफ हुआ, तो बेसिकली इसका जो मोटिव था ये दिखाना था कि साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। ओके, मतलब कि यदि कोई मीडियम नहीं है, जैसे कि एयर एक मीडियम है, तो यदि कोई मीडियम नहीं है तो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता, और साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए, इसीलिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। तो आइए देखते हैं कि ये बेल जार एक्सपेरिमेंट, ये एपरेटस कैसा था और उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट ये कंडक्ट किया। ओके फ्रेंड्स, तो ये है स्ट्रक्चर बेल जार का। ओके, तो इसमें आपको कुछ बता दूँ, ये एक सर्किट है जैसा कि आप देखते हैं। और फ्रेंड्स, कमेंट में आप बताइए कि ये जो है ये एक सेल है या बैटरी है। ओके, और जो भी वो है सेल या बैटरी वो क्यों है, ये आप कमेंट में लिख के मुझे बताएं। ओके, और ये जो है इसको आप स्विच बोल सकते हैं या की। ओके, और ये जो है सर्किल, इसको हम लोग गोंग बोलते हैं, GONG गोंग। और ये जो है बेल है। ओके, और ये ग्लास जार है, और ये जो आप पासेस देख रहे हैं ये टू इवैक्यूएट एयर की, मतलब इनडायरेक्टली आप इसे वैक्यूम पंप भी बोल सकते हैं, एयर को बाहर निकालने के लिए इसका यूज़ होता है। तो ये जो बेल जार था ये एयर टाइट रखा गया, फिर भी इसमें एयर था, बहुत पूरा एयर बाहर नहीं था, थोड़ा बहुत एयर था इसमें। ओके, तो अब क्या हुआ कि जब इस की को, मतलब इस ये स्विच जब पूरी तरह से कनेक्ट हुआ और जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई, तो क्या देखा गया कि ये जो बेल है इस नॉब को हिट कर रहा था। तो जब हिट कर रहा था तो बाहर कोई भी आदमी खड़ा था उसे ये आवाज़ सुनाई दे रही थी। ओके, और तो ये तो एक प्रोसीजर था, तो मतलब जब हिट किया उस टाइम एयर था इसमें। ओके, तो उस टाइम यहाँ पे अगर यदि कोई आदमी है तो उसे ये आवाज़ सुनाई दे रही थी। और दूसरी बार फिर उन्होंने एक देखा, फिर इसे कनेक्ट किया और पूरा एयर इसमें से बाहर निकाल दिया धीरे धीरे। तो पहले थोड़ा अमाउंट एयर का बाहर निकाला तो आवाज़ थोड़ा कम हुआ, फिर धीरे जैसे कि एयर बाहर निकलने लगा इसमें से, एयर को बाहर इवैक्यूएट करते रहे लोग, तो जो लाउडनेस थी ऑफ साउंड वो कम होती गई। और एक टाइम ये ऐसा आया कि जब ये पूरा एयर निकल गया और इसमें केवल वैक्यूम था, तब वही आदमी और ये बेल उसी, मतलब गोंग को उसी स्पीड से हिट कर रहा था, वैसे ही जैसे पहले कर रहा था, तो वैसे ही हिट कर रहा था, लेकिन उस टाइम उस आदमी को ये साउंड सुनाई नहीं दिया। ओके, तो इससे क्या पता, और ये सबसे पहले मैं बता दूं कि ये क्यों हो रहा था। ओके, तो जब यहाँ पे एयर था, ओके, अभी इसको इवैक्यूएट नहीं किया गया, जब एयर था तो जब ये बेल इस गोंग को हिट किया तो वाइब्रेशन हुआ, तो वाइब्रेशन धीरे धीरे ट्रांसफ़र हुआ एयर के मॉलिक्यूल्स को, एयर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन ट्रांसफ़र करते करते इस ग्लास को ट्रांसफ़र किए, तो जब ग्लास भी वाइब्रेट होने लगा। ओके, तो जब ग्लास वाइब्रेट होने लगा तो आउटर में जो भी एयर मॉलिक्यूल्स हैं ये बेल जार के बाहर, ये भी इस वाइब्रेशन से कनेक्ट थे, जो भी मॉलिक्यूल्स वो भी इसको कंडक्ट किए वाइब्रेशंस, और इसी के थ्रू उसे सुनाई दिया। और जब वैक्यूम था तो कोई इसमें मीडियम बचा नहीं, तो ये तो यहाँ पे तो वाइब्रेशन हो रहा है इस गोंग में, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, कोई भी मीडियम, तो इसी के चलते कोई भी, मतलब जो वाइब्रेशन था वो आगे ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, इधर ही रहा, कोई मॉलिक्यूल्स उसे अपने ऊपर ट्रांसफ़र नहीं करता था। और जबकि एयर जो था उस वाइब्रेशन को कैरी करते करते पहले इस ग्लास वाले बाउंड्री को दिया, और फिर जो आउटर मॉलिक्यूल्स थे वो भी इसे लिए, और इसके कारण साउंड इस आदमी को सुनाई दे रहा था। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि जब कोई भी वाइब्रेशन या साउंड प्रोड्यूस हो और यदि हमें वो साउंड सुनाई देता है, तो उसका जो
रीज़न होता है वो मीडियम होता है, कोई भी मीडियम। ओके, लाइट जो होता है वो बिना कोई मीडियम के ट्रेवल कर सकता है, तो आप जानते हैं। पर साउंड जो होता है ये इसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। तो फ्रेंड्स, यही था बेल जार एक्सपेरिमेंट, जो बॉयल ने इसे कंडक्ट किया। और उस इस एक्सपेरिमेंट से उन्हें ये पता चला कि यदि साउंड को ट्रेवल करना है किसी भी वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सो मीडियम इज़ मस्ट इन दैट। ओके, तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको यह मेरा छोटा वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन इससे क्लिक कीजिए, और प्लीज़ शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल। सो थैंक यू।